स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। मैंने गाना खास तेरे लिए लिखा था, तेरे अच्छा लगा? हाँ। ले, कोई अपने खेत मेरे ब्रदर नाम करने वाला है कि जो मैं तेरी झूठी तारीफ करूंगी। वैसे रणवी, वो तेरी जो दी हुई कैसेट थी ना, वो मेरे हाथ से गिर के ना खराब हो गई थी थोड़ी, और पूरा कुछ ना मैं सुन नहीं पाई थी। तो आखिर में कुछ बोलने वाला था ना? वो कुछ दिल की बात कहनी है, फोन भी नहीं कह सकता, मिलके बताऊंगा। अच्छा ठीक है, तो एक काम करना, मेरे घर पे आ जा अभी के अभी। नहीं नहीं, घर पे नहीं आ सकता, कहीं बाहर मिलते हैं, जा जब कोई हो ना। ओहो, तो जितने सीधे दिखते हैं ना वीर जी, उतने भी नहीं है। पर वीर जी की जिंदगी बच्चे कुड़ी कौन सी है, नाम भी नहीं पता चल पाया। अगर वीर जी ने पूछा ना तो वो तो मना कर देंगे, मैंने उन्हें रंगे हाथी पकड़ना पड़ेगा। तो आज रात मुलाकात होगी मेरी होने वाली भाभी से। सुपर न्यूज़ यावीरा, आई स्टिल कांट बिलीव कि हमारे बैच में से एक कपल एंगेज्ड हो गया। कितने टाइम से वो लोग डेट कर रहे थे ना एक दूसरे को, हाउ रोमांटिक। अमृत, फ्रैंकली ना, ये प्यार, शादी, इन सारी बातों से मेरा विश्वास ही उठ गया है। ये सारी की सारी फिल्मी बातें, और फिल्मों में ही अच्छी लगती। रियल लाइफ में ना, इस बकवास से जितना दूर रहो ना, लाइफ उतनी सिंपल होती है। अमृत, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके, बाय बाय। इत्या, आजा। हाँ मेरी विराकड़ी, इधर आ। पापा जी हमें छटके गए ना, तो मैं रब जी से बहुत लड़ा, सवाल किया कि आप सच में हो ही नहीं, क्योंकि अगर ये होते तुम्हारे पापा जी को हमसे कभी दूर नहीं करते। उसके बाद मैंने बीजी को देखा, उदास, परेशान, फिर इनसे ला, फिर सवाल किया, उसके बाद तू पिंड छट के बाहर पढ़ने चली गई। लेकिन हर बार सब्जी ने कुछ ऐसा किया जिससे मेरा भरोसा लौटा था। मेरे हर सवाल के जवाब सही वक्त पे दिए। जब भी कुछ गलत हो रहा होता तो हमेशा एक उम्मीद की किरण दिखाई इन्होंने, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट ले आई है। राखड़ी, पता है हम रब जी पे विश्वास बार बार क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनका प्यार हमें इनकी ओर खींच लाता है और विश्वास दिलाता है कि है प्यार भी रब की तरह ही है। वीरा, दिल टूटता है तो ऐसा लगता है कि प्यार नहीं है, लेकिन फिर दिल दोबारा जुड़ता है और हमें प्यार पे फिर भरोसा हो जाता है। वीरा, प्यार तो रब की बनाई हुई चीज है तो कभी गलत हो ही नहीं सकता ना। ये सारी भावनाएं इंसान की बनाई हुई है, ईर्ष्या, नफरत, ये सब कुछ रब ने नहीं बनाया, हमने बनाया। रब जी का तोहफा तो सिर्फ प्यार है।
के रिश्ते को, दोस्ती के रिश्ते को, जीवन साथी के रिश्ते को, प्यार पे भरोसा उठने का मतलब है कि सब चीज से भरोसा उठ। वीरा मैंने वादा कर, वीरा वादा कर मैंने कि तू कभी प्यार पे से भरोसा नहीं उठाएगी, कभी नहीं, वादा कर अपने वीर से। पकड़े अन्नी, हंसी क्यों छूट रही है तेरी, हैं? आज मैंने सिर्फ अपना दांत दिखाने, अक्कड़ नहीं दिखानी, हैं? बलदेव मैंने तंग ना कर, बलदेव मेरा रास्ता छोड़, बलदेव सांस ना ले, बलदेव जिंदा ही क्यों है तू, बलदेव ये बलदेव वो, हैं? लड़ती मैं नहीं, लड़ता तू है, लड़ाका सिंह पैदा ही हुआ है लोगों से पंगे लेने के लिए। कल तो तू उस रेडियो वाले से भी लड़ गया था, है ना? लेकिन मैंने तो अपनी आवाज बदल कर बात की थी रेडियो पे, अब फिर तेनों कैसे पता चला कि मैं तू लड़की की आवाज निकाल ले या गाय भैंस बकरी की, तेनों तो मैं पहचान ही जाऊंगी कि तेरी आवाज है। पता ही क्यों, तू आवाज तो निकाल सकता है पर अपनी ठसक, अपनी अकड़ थोड़ी ना छोड़ सकता है। ऐसे तो मैंने पहचानना ही था, ऐसे काफी फिक्र जता रहा था तू प्रोग्राम में मेरे वास्ते। क्यों? ओ पागल हो गई है क्या, हैं? पूरी दुनिया को छटके मैं तेरे वास्ते क्यों फिक्र दिखाऊंगा? और तब बकवास सा प्रोग्राम था, वो जो बंदा और रेडियो पे जो बकर बकर कर रहा था वो तो मैंने ठंडा ठंडा लग रहा था, और मैं ही जो था वो जो माहौल में जो गर्मी पैदा कर रहा था, और कुछ नहीं, बकवास सा प्रोग्राम, थर्ड क्लास फुट्टा क्लास। उसे बात बताऊं मैं, तेरे जैसे जनानियों वास्ते बिल्कुल ठीक है वो, है? तो हर चीज को लेकर गलत फहमी में ही रहती है, जैसे कि है कि मैं तेरी चिंता में पड़ा था। ओए जाके अपनी शक्ल ना आईने में देख, तुझे अपने आप में देखने की बजाय ना टूटना ज्यादा पसंद करेगा वो, बात करती है। बलदेव तेनू नहीं लग रहा आज तू कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा है? अगर इतनी प्रॉब्लम है मुझसे तो मेरे इर्द गिर्द क्यों घूमता है तू? चला जाना, रास्ता ना रोक मेरा। और तुझे तो पिंड में घूमते देख मैंने गुस्सा आ जाता है, ऐ सोच के कि तू कब जाएगी वापस यहाँ से। ओए मैं क्यों जाऊँ, तुझे प्रॉब्लम है ना, तू जा। ओहो बकवास ना कर, मेरा पिंड है मैं क्यों जाऊँ? ओए पिंड मेरा भी है मैं क्यों जाऊँ? क्योंकि तू इस पिंड में रहने लायक ही नहीं है, जानवर कहीं की। एक काम कर, जंगल क्यों नहीं चली जाती? हाँ हाँ किसी दिन मन हुआ ना तो वहाँ भी चली जाऊंगी, अभी तो बकवास ना कर जाता, और मेरा रास्ता ना रोकना तू अगली बार से, समझा? अच्छा वरना क्या करेगी तू? ये क्या पाजी, फिर वो पैर पे पैर मार के चली गई, तो मैं बताता नहीं आए। जान देख कोई गल नहीं, पाजी लगा तो बहुत तेज होगा ना, दर्द भी बहुत हो रहा होगा। और ना अब के बाद दर्द नहीं हुआ, और मजा आया, अब पिंड की शेरनी वापस लौट आई है। Oh.
कैसे मुड़ा है? बचपन में मेरा पैर भी इसी तरह मुड़ा था, रणवीर ने ठीक किया था। वो देख कितनी बढ़िया सी चिड़िया है। रणवीर ने भी इसी तरह चिड़िया दिखाई थी। थैंक यू गुंजन दीदी। गुंजन दीदी, क्या आप मुझसे अब भी नाराज हैं? थी, बहुत नाराज थी, लेकिन रणवीर ने समझाया कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए अब नाराज नहीं हूं। लेकिन तुझसे भी कहूंगी कि माना कि दिल टूटने का दर्द भुलाना इतना आसान नहीं होता। मैंने भी यह दर्द सहा है, लेकिन इस दर्द में इतनी ताकत नहीं है कि इंसान अपनी दुनिया ही खत्म कर दे। जी जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। रणवीर ने जो मुझे दर्द से बाहर निकालने के लिए कहा था, वही तेरे सामने कह रही हूं। वीर जी कितने अच्छे हैं ना, सबका कितना ज्यादा ख्याल रखते हैं। हाँ, पूरी दुनिया का दर्द अपने दिल में लेकर घूमता है, लेकिन वो क्या चाहता है जिंदगी से? उसकी की अरमान है कि शायद आज तक किसी ने नहीं पता चला। उसका भी तो मन कुछ करता होगा, आखिर वो भी तो एक इंसान है। ऐसे वही समझ सकता है जो उसके दिल के एकदम नजदीक है। आप सही कह रही हैं गुंजन दीदी, मैं शायद अपनी चीजों में इतना ज्यादा उलझ गई कि इस तरफ ध्यान ही नहीं गया मेरा। वीर जी ने ना कभी अपने मन की बात कही, ना ही मैंने जानने की कोशिश की। आप फिक्र ना कीजिए गुंजन दीदी, मैं अभी जाकर वीर जी को ढूंढती हूँ और उनसे बात करूंगी। ऐ चंगा रहेगा, अब मैं चलती हूँ मीरा, मुझे बहुत जरूरी काम है। अच्छा हुआ वीरजीत थी हैं। हाँ गुंजन, क्या हुआ? इतना घबराया सा क्यों सुनाई दे रहा है? तनवर डर है कि मैंने तेरा गाना बुरा लगा होगा। अरे मैंने बड़ा अच्छा लगा है तेरा गाना रणवीर। मैंने गाना खास तेरे लिए लिखा था, तेरे को अच्छा लगा? हाँ, खेत मेरे ब्रदर नाम करने वाला है कि जो मैं तेरी झूठी तारीफ करूंगी। वैसे रणवीर, वो तेरी जो दी हुई कैसेट थी ना, वो मेरे हाथ से गिर के ना खराब हो गई थी थोड़ी, और पूरा कुछ ना मैं सुन नहीं पाई थी। तो आखिर मैं कुछ बोलने वाला था ना, बता ना की बोलने वाला था। ओ, अब वो मैं देनो अब रणवीर, क्या मैं कर रहा है? अभी बताओ ना कि कहने वाला था तू। वो कुछ दिल की बात कहनी है, फोन भी नहीं कह सकता, मिलके बताऊंगा। अच्छा ठीक है, तो एक काम करना, मेरे घर पे आ जा अभी के अभी। नहीं नहीं, घर पे नहीं आ सकता, कहीं बाहर मिलते हैं, जा कोई हो ना। ओहो, ऐसी भी कौन सी बात है जो तू दुनिया के सामने नहीं कर सकता? बस है कुछ बात, तू मैंनू कल सुबह पिंड के पुराने वाले कुएं के पास मिली। सुबह सुबह तक क्यों रुकना है? अभी बताने में की परेशानी है?
मैंने कुछ नहीं पता, तू ना मुझे आज रात को ही मिल। रात में क्यों? मैं मतलब है कि तू कैसे आएगी? एक काम करना, सुबह ही मिलते हैं आराम से। अरे तू मेरी फिक्र ना कर, मैं आ जाऊंगी उसे। ठीक है फिर, आज रात को मिलते हैं 8 बजे। चल ठीक है, रखती हूँ। ओहो, तो जितने सीधे दिखते हैं ना वीजी, उतने भी नहीं है। पर वीरजी की जिंदगी बच्चे कुड़ी कौन सी है, नाम भी नहीं पता चल पाया। अगर वीरजी ने पूछा ना तो वो तो मना कर देंगे, मैंने उन्हें रंगे हाथी पकड़ना पड़ेगा। तो आज रात मुलाकात होगी मेरी होने वाली भाभी से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।